गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आपका क्लास 11 का चैप्टर 1 का फोर्थ पार्ट लेकर के आए हैं। मैं बोला था कि हम बहुत जल्द आपके पास नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं, तो हम आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम आ गए हैं। तो ध्यान देंगे, अब आशा करते हैं कि बड़े अच्छे से आप इसको समझेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। तो देखिएगा क्या होता है। उसने कहा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, आवर्स बोलते हैं इसको, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, सी हैड कमिटेड टू प्रे, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। देखिए, मिल्क मिस होता है हमारा, मिल्ड ऑफ ओनली मॉडरेट और सेवरेटली, ये हमारा सेवरेटी का मिस होता है हमारा, मामूली सेवरेटी, मिल्क है दो, मिल्क मिस हमारा होता है मामूली, और ओमिटेड का मिस होता है लेफ्ट, छोड़ या छोड़ी या छोड़ देना, ये सर हमारा, और ये ओमिट का मतलब होता है हटा देना, ये हमारा मीनिंग है। तो उसमें देखिए आगे क्या कहते हैं। तो उसने कहा, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, अब वो अगली सुबह क्या हुआ, बीमार पड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई और बीमार हो गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, अब उसे क्या था, एक मामूली सा बुखार था। देखिए मिल्ड अभी हमने आपको बताया था, इट वॉज अ मिल्ड फीवर, मामूली सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने बताया या डॉक्टर के द्वारा हमें बताया गया कि भाई इसे कुछ ज़्यादा बड़ा बुखार नहीं है, मामूली सा बुखार है, कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दैट इट वुड गो, उसने कहा कि बहुत जल्दी चला जाएगा। देखिए इट का जो प्रयोग किया गया है हमारा, ये केवल उस बुखार के लिए किया गया है, इट वुड गो, ये बड़ी जल्दी चला जाएगा, उस बुखार की बात कर रहे हैं। तो उसने ये भी कहा, बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, लेकिन जो मेरी दादी जी थी वो डिफरेंटली, पर लेकिन जो मेरी दादी जी थी वो बिल्कुल अलग तरह से सोच रही थी कि पता नहीं कैसा बुखार है, क्या होगा। तो वो दादी मेरी बड़ी चिंता करती थी और उसे बड़ा प्रेम था, तो इस प्रकार वो उसे कह रही हैं कि मुझे नहीं पता है तो किस प्रकार का बुखार है, पर लेकिन मैं बिल्कुल अलग सोच रही थी। पर लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि वो ज़्यादा बड़ा बुखार नहीं है, तो छोटा मोटा बुखार है, ऐसे ही चला जाएगा, मामूली सा बुखार है। तो सी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे बताया, दैट की हर एंड वाज नियर, अब वो हमसे कहने लगी कि अब उनका जो समय नज़दीक है। उसने कहा कि उनका जो अंत आ गया है, अब मेरा अंत बहुत नज़दीक है, उन्होंने हमसे बताया। और ये भी कहा, सी सेड दैट, और उन्होंने कहा भी, क्या कहा, दैट की द सीन्स ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने कहा क्योंकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय की समाप्ति के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। ये लिखा ना यहाँ पर, देखिएगा, ऑफ आर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, यानी कि उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया था। सी सेड दैट, और उन्होंने कहा था कि सिंस, जब से ओनली अ फ्यू आवर्स, आवर्स की बात कर रहे हैं कि कुछ घंटों पहले, बिफोर मतलब पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ आर लाइफ, कि उनके जीवन का अंतिम जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया, समाप्त हो गया। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अध्याय की समाप्ति के, जब उनका अंतिम अंत आ गया था, तो अंत उनसे कुछ घंटों पहले ही उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी थी कि अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तो उसने पहले, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उससे पहले ही अपना वो बोलना ये सब बंद कर देता है, तो उसके बाद कुछ देर बाद या एक दो घंटे बाद वो मर गई वो, उसके बाद वो क्या कहती हैं फिर, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने ये कहा कि इसलिए वे हमसे बात करके
और अधिक समय बर्बाद कर नहीं करने वाली थी। उसने कहा सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एनी मोर और मोर टाइम, और अधिक समय, टॉकिंग अस का मतलब हमसे बात करके, वो हमसे बात करके वो अपना समय वेस्ट करना नहीं चाहती थी। तो फिर देखिएगा नीचे क्या कहा है, इसने कहा देखिए, वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, सी ले पीसफुली इन बेड और प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. देखिए meaning protested का means होता है objected, यानी कि विपत्ति की जो विपत्ति आ जाती है, यहाँ objected दिया जाता है, सो हम लोग वहाँ पर प्रोस्टेटेड भी बोलते हैं, कि जो प्रोटेस्टेड भी होता है। तो उसने कहा इग्नोर्ड, इग्नोर्ड का मतलब होता है अनदेखा करना, इसे बोलते हैं डिसरिगार्डेड, इंटेंटुअली अनदेखा किया। सस्पेक्ट का मीन्स होता है हमारा डाउट, इसे बोलते हैं संदेह करना। और पार्लर का मीन्स होता है एन अनहेल्थी, इसे बोलते हैं पेल अपियरेंस, यानी कि बोलते हैं से पीलापन होना। ये पहला पहला और कमीज होता है, जो पहला हमारा उसका मिस होता है पीलापन। आगे देखिए उसने कहा वी प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब था जो भी हमारी क्या थी विपत्ति थी, विरोध करना भी बोलते हैं इसे। तो हमने क्या किया, उसका विरोध भी किया, बट लेकिन सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। इग्नोर का मतलब था ध्यान न देना, और लेकिन उन्होंने हमारे मतलब किसी प्रकार के विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो सी ले पीसफुली, और वो आराम से लेटी रही, पड़ी रही पीसफुल, बड़ी शांति से इन बेड, बिस्तर में, और प्रेइंग, और वो प्रार्थना करती रही भगवान से कि हे भगवान बस सब कुछ ठीक कर दे। इस तरह से वो गॉड से प्रेयर कर रही थी और सबका भला हो, उस तरह से वो ऐसा भी कुछ कह रही होगी। एंड टेलिंग हर, और वो कह रही थी कि हर उसके बारे में द बीड्स, देखिए उसने कहा उन जो बेड्स हैं, बी ई डी एस बेड्स का मतलब होता है अपने बिस्तर पर, यहाँ बेड हैं। और इसने कहा बीड्स, बीड्स का मतलब होता है हमारा जप मालाएं बोलते हैं जिसे हम लोग जप मालाएं जपना। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप इट मूविंग द रोसरी, देखा रोसरी मैंने आप लोगों को यहाँ पर मीनिंग भी बताया था, जो रोसरी, तो रोसरी का माला मीन्स होता है हमारा जो मालाएँ जो जपा करती हैं, जो मालाएँ जपना जपती हैं, अंतिम उसकी वो बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है देखेंगे इसमें। अब क्या होता है, किसी इग्नोर्ड, उसने इग्नोर कर दिया था अवर प्रोटेस्ट, जो भी हमारे मतलब विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया उसने, उसी ले वो अपने बिस्तर पर ही चुपचाप लेटी हुई थी। और यहाँ पर उसने कहा बैड प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रही थी बिस्तर पर, एंड टेलिंग हर, वो कह रही थी उन बीट्स के, बीट्स का मतलब उन मोतियों की वो बात कर रही हैं जो मन के कहते हैं, जब मन के गिन रही थी। तो टेलिंग हर बीट्स, उन मनकों को गिनना, उन मनकों को वो गिन रही थी। तो उसने कहा इवन बिफोर, मतलब इससे पहले भी वी कुड सस्पेक्ट, लेकिन हम इससे पहले भी हमने वो प्रार्थना कर रही थी। और ऐसा माना जाता है कि जो उसके लिप्स थे, जो होंठ थे, वो भी रुक गए थे मूविंग चलते हुए। एंड द रोसरी द फेल फ्रॉम, देखिए रोसरी, रोसरी का मीनिंग होता है हमारे जो जपमाला, इसे बोलते हैं हम लोग रोसरी की जपमाला। फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, अब क्या होता है जो उसकी जो जपमाला थी वो भी जो माला जो जप रही थी, तो वो क्या होता है वो भी रुक जाती है। और कैसे हो जाती हैं, बिल्कुल फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, अब जो उसकी उंगलियाँ हैं वो भी लाइफलेस हो जाती है, अब उनमें भी जीवन नहीं रहता, वो भी उसके हाथ जैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका हाथ लटक जाते हैं, तो उस तरह से ऐसे वो हो गई थी। वो ये कहना चाहते हैं जैसे कि उसने, हमने पहले भी कुछ समझ पाते हैं कि उसने उनके होंठ हिलने बंद हो गए थे, और जो जपमाला तो उनका क्या था कि वो
उनकी बेजुबान उंगलियों के सिर पर पड़ी। जपमाला उनकी जो थी वो उनके कहाँ पर पड़ी, जो बेजुबान उंगलियों से गिर पड़ी। तो कहना चाह रहे हैं जो उनकी जपमाला थी, जो जपमाला जप रही थी, तो उनकी बेजान उंगलियों से गिर पड़ी, क्योंकि अब उनकी उंगलियों में कोई जान नहीं रह गई थी। क्योंकि तो वो व्यक्ति जब जिंदा रहता है तो हमारे शरीर में जान रहती है, और जब व्यक्ति मर जाता है तो फिर उसके जो लाइफ लेस हो जाता है, तो उसकी जो फिंगर रहती थी उसमें अब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, यानी वो भी बंद हो गया था। तो फिर उसने कहा, ए पीसफुल पावर स्प्रेड ऑन हर द फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड। अब एक खामोशी सी, एक पीसफुल का मतलब होता खामोशी सी। और जब यहाँ पर देखो, मैंने बताया था पोलर कमीज होता पीलापन, अब वो पीलापन जो था उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अब जो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उस व्यक्ति का चेहरा है वो पीला पड़ जाता है, और उसका चेहरा ऐसे ही पीला पड़ गया था। एंड वी न्यू, हम जानते हैं दैट कि सी वॉज डेड, हम ये जान गए कि अब वो नहीं रही। अभी हमें पता चल गया था कि अब वो मर चुकी है, अब वो नहीं रही है हमारे बीच। तो फिर आगे क्या होता है नीचे की ओर देखेंगे। हाँ देखिए, उसने कहा क्या कहा, वी लिफ्टेड हर ऑफ बेड एंड एज इज कस्टमरी द लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद अ रेड श्राउड आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक द अरेंजमेंट फॉर हर फनरियल इन द इवनिंग। तो वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर्स टू टेक हर टू अ बी क्रीमेटेड। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन। और आगे कहा उसने, जो गोल्डन जो लिख थी, गोल्डन लाइट जो थी, लाइट है गोल्डन लाइट, वी स्टॉप्ड, वो रुक गई हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड ऑल अबाउट द वरांदा एंड इन हर रूम लाइट अप टू वेयर सी ले द डेड एंड स्टीव रैप्ड इन द रेड Throughout the thousand of the sparrows, the set scattered means हमारा बखेरने से मतलब बिखर जाना और या फैल जाना। On the floor उस फर्श पर, तो there was no chirping, we felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. The sea broke into the little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrow took no notice of the bread when we carried my grandmother's corpse off. They flew away the quietly. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. देखिए सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। और कस्टमरी का मिस होता है जो भी हमारे यूजुअल है, जो रिवाज है, हम लोग बोलते हैं रिवाज कस्टमरी, या जो भी हमारे कस्टम है रिवाज बोलते हैं। और श्राउड मिस होता है हमारा, आ लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इन विच अ डेड पर्सन विद इज द रैप्ड, मतलब उसको लपेट दिया जाता है, उसे कफन बोलते हैं हम लोग। जब एक व्यक्ति को मर जाता है तो श्राउड बोलते हैं, उसे कफन बोलते हैं। अब मॉर्निंग जो ये मॉर्निड होगा, तो मॉर्निंग होता है मॉर्निंग, एक तो मॉर्निंग होता है, ये मॉर्निंग है। मॉर्निंग द एक्सप्रेशन ऑफ डीप सोरो, रोना पीटना, जो मौन करते हैं, तो मौन का मतलब होता जो रोना पीटना, मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे मौन किया जाता है। टू एक्सप्रेशन ऑफ डीप सोरो, अपने दुख को दिखाया जाता है, तो उसे मौनिंग बोलते हैं हम लोग मौन। तो उसने कहा क्रीमेटेड का मतलब होता बर्न, इसका मतलब होता जलाना या दाह संस्कार करना, क्रीमेटेड, क्रीमेटेड हमारा जलाने को बोलते हैं। जब हम किसी व्यक्ति, जब हमारे हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो उसने कहा ब्लेज, ब्लेज का मीन्स होता है ए वेरी ब्राइट लाइट, उसने कहा बहुत चमकीला प्रकाश। और स्टीप का मीन्स है नॉट मूविंग द फ्रीली, यानी कि कस करके, मुझसे हिलने ना देना,
तो उसने कहा रैप्ड कमल होता लपेट लिया जाता, कवर्ड कमल होता उसको ढक लेना। रैप्ड लपेट लेना, कवर्ड कर लेना, ढक लेना एक ही बात है। उसने कहा क्रम्स, क्रम्स कमल होता स्मॉल पीस, छोटे टुकड़े और कॉप्स, उसका मीन्स डेड बॉडी। सो लास्ट देखिए उसने क्या किया, ही वी मिस हमने लिफ्टेड मतलब तो उठा लिया था, हर मिस उसको ऑफ, उसने कहा था बेड, हमने उसको बिस्तर से उठा लिया। फिर क्या किया हमने जब उनको बिस्तर से उठा लिया, जैसे कि रिवाज होता है हमारा, उसने कहा एज इज कस्टमरी, जैसे हमारे रिवाज होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, तो उसको उस बेड से उठा लेते हैं और लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उसको जमीन पर लिटा देते हैं। तो सेम उन्होंने भी ऐसा ही किया, एंड कवर्ड विद हर विद अ रेड साउंड, और उन्होंने उसे लाल कफन से उसको क्या होता कवर्ड कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों बाद क्या होता वो मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है रोना मतलब पीटना, तो वो रोना पीटना वहाँ पर शुरू हो गया था। मतलब वी मिस हमने लेफ्ट हर अलोन, अब हमने उनको अकेले में ही उसको अकेला छोड़ दिया, टू मेक द अरेंजमेंट, अब व्यवस्था करने के लिए, अब हम व्यवस्था करने में लग गए। और हर फंडियल उनके कफन की, देखो फंडियल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो फंडियल होता है वो भी कफन होता है। इन द इवनिंग जो हम लोग क्रियाक्रम का जो सामान वगैरह कहते हैं, तो इन द इवनिंग शाम के समय में वी वेंट टू हर रूम, हम अपने उसने क्या कहा, ये शाम के समय में हम चले गए उसके उनके कमरे में। अब हम ये क्या करा, शाम के समय में हम उनके कमरे में चले गए विद मी साथ में आ क्रूड, उसने कहा जो क्रूड आज टीचर टू टेक टेक हर टू बी आ क्रीमेटेड। अब हमने देखी क्रीमेटेड का मीनिंग बता दो दाह संस्कार करना। अब हम जो जो भी चीज़ें उनकी थी इस तरह से उस रूम में हम चले गए, तो उनको वहाँ से लेने के लिए जो भी चीज़ें थी उनका दाह संस्कार करने के लिए। द सन वाज सेटिंग, अब सूर्य जो छिप रहा था, तो एंड हैड लिट हर रूम, कि हमने उनके जो कमरे की जो लाइट है उसको जलाया, एंड वरांदा वरांदे की भी विद अ ब्लेज, और हमने क्या किया फिर ब्लेज आ गोल्डन लाइट, अब हमने जो गोल्डन लाइट में भी अपने गोल्डन लाइट भी थी वो भी, तो वी मिस हम द स्टॉप्ड, हम रुक गए हाफ वे, आधे रास्ते में हम रुक गए इन द कोर्ट यार्ड, उस जो कोर्ट यार्ड था जो आंगन था उसके आधे रास्ते में हम लोग रुक गए। तो ऑल अवर द वरांदा, पूरा का पूरा सारा वरांदा जो था इन हर रूम राइट अप टू वे आर सी ले डेड एंड स्टीव द रैप्ड इन द रेड श्राउड, उसने कहा जो ऑल ओवर द बरामदा, जो पूरा का पूरा बरामदा था उसका अपना जो कैसा हो गया था रेड हो गया था, उसने कहा हर रूम राइट अप यानी कि उसके सीधे ऊपर की ओर, टू वेयर मी जहाँ सिले, जहाँ वो लेटी हुई थी डेड मरी हुई, एंड स्टीव द ब्रैब जिसको लपेट दिया गया था द रेड श्राउड यानी कि लाल कफन में उनको लपेट दिया गया था, और 1000 स्पैरो मतलब हजारों चिड़ियाएं, द एसेट स्केटेड मतलब इधर उधर वो बैठ गई ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर वो सारी की सारी चिड़िया बैठ गई, क्योंकि जो चिड़िया हुई वो चिड़ियाएं थी जिनको वो खाना खिलाया करती थी, यानी टुकड़े यानी ब्रेड का टुकड़ा होता है तो जो रोटी होती है रोटी के टुकड़े उनको डाला करती थी दोपहर के समय, जब वो अपना चरखा जो काटती रहती थी, उसके बाद में जो उन चिड़ियों को जो खाना खिलाया करती थी तब, तो देयर वाज नो चिरपिंग, पर वो भी उसका शौक मना रही थी वो चिड़ियाएं, वो भी कोई भी चिरपिंग चिरपिंग की आवाज़ कोई नहीं कर रही थी, कोई भी चिड़िया चहचहा नहीं रही थी, वो भी उनका शौक मना रही थी। उसने कहा वे वी फेल्ट सॉरी, हम माफ़ी चाहते हैं फॉर द बर्ड्स, उन पक्ष उन जो वो भी कहते हैं माफ़ी चाहते हैं उस क्या के लिए, फॉर द बर्ड्स उन पक्षियों के लिए, एंड माई मदर्स फेस्ड सम ब्रेड्स फॉर देम, जो मेरी माता जी उन जो चिड़ियों के लिए वो उन्हें खाना खिलाया करती थी या उनको ये ब्रेड डाला करती थी। तो सी ब्रोक इट इन टू द लिटिल क्रम्स, ये कितने छोटे छोटे से, उसने कहा था सी ब्रोक, ब्रोक का मतलब तोड़ना, इट इन टू लिटिल क्रम्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े वो कर कर उनको डाला करती थी। द वे माई ग्रांड मदर, लेकिन जो मेरी दादी थी वो यूज टू इन सब का वो प्रयोग किया करती थी, एंड थ्रू इट टू दैम उनको ये सब चीज़ डाला करती थी। तो कहना चाह रहे हैं कि वो जो छोटे छोटे टुकड़े करके रोटियों के, तो वो उनको डाला करती थी, उन्हें खिलाया करती थी उन स्पैरो को, तो वो भी स्पैरो उस दादी का वो भी दुख मना रही हैं, और वो भी कह रही हैं
कह रही हैं कि हमेशा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका विलाप किया जाता है, तो इस प्रकार से वो भी अपना चिड़ियाएं भी विलाप कर रही हैं और कह रही हैं द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। अब उन्होंने उसने क्या किया, तो उसने उन चिड़ियों को वो रोटी वो डाली, जिस प्रकार से वो उसकी जो दादी थी वो डाला करती थी, तो उसने क्या किया उनको रोटी डाली, पर द स्पैरो टुक नो नोटिस। अब लेकिन जो स्पैरो थी उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी ध्यान उन पर नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड उन रोटियों पर जो रोटियां उनको डाली गई थी, क्योंकि वो भी जानती हैं, वो भी उन्हें स्नेह हो गया था कि ये हमारे लिए ऐसा 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 जो हमें खाना खिलाया करती थी, पर लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि तो वो भी समझ जाते हैं। देखिए पक्षी भी कितने समझदार होते हैं, वो भी समझ जाते हैं, पर लेकिन उन्होंने कोई भी स्पैरो ने किसी भी चिड़िया ने कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं लिया। व्हेन मीन्स जब वी कैरिड, जब उनको ले गए माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स और दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम उनको ले गए, जब वो हम दादी के मृत शरीर को वहां से ले गए, तो वे चुपचाप धीरे धीरे करके सब वो उड़ गई। फ्लू अवे का मतलब उड़ जाना, क्वाइटली का मतलब होता है बड़े प्यार के साथ में। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तो क्या होता है, द स्वीपर द स्वैप द ब्रेड। अगली सुबह जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, उन रोटियों को वहाँ से उठाते हैं और क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और उन्हें उठा करके उनको डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि जो अगली सुबह क्या होता है, जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं वो उठा करके उनको उस कूड़ेदान में उसको मतलब डाल देते हैं, मीन्स डस्टबिन में उसको डाल देते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर के, इसी के साथ थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। ओके टाटा बाय।